आप भी अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, उसे कैसे बदल सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहां देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर हैं और जहां पर देखिए हम अपने फेसबुक का जो पासवर्ड है उसे हम चेंज करने वाले हैं, उसे बदलने वाले हैं। यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके लिए देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे देखिए यहां पर फेसबुक एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और यहां पर देखिए अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर सेटिंग प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए सेटिंग का आइकन है, ऑप्शन है आपका सामने, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर देखिए आ जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो यहीं से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपना पासवर्ड मालूम नहीं है फिर भी आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, अगर आपको पासवर्ड अपना मालूम है तब भी आप चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए हम पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं और जैसे देखिए हम पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमें थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपका फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम लिंक है तो वो भी देखिए आपको नीचे शो कर जाएगा और आपको ऊपर ही क्लिक करना है फेसबुक पर, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसके बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है कि करंट पासवर्ड, जो इस टाइम का अपना पासवर्ड है वो अपना पासवर्ड डाल दीजिए। और इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अपना न्यू पासवर्ड डालिए और इसके नीचे देखिए उसी पासवर्ड को आप दोबारा डाल दीजिए ताकि आप जो अपना पासवर्ड है उसे यहाँ से चेंज कर पाए। इसके लिए देखिए मुझे अपना पासवर्ड तो मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसके लिए देखिए क्या करना है। आपको यहाँ पर देखिए इसके बाद ऑप्शन देखिए नीचे देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए आपको फॉरगेट योर पासवर्ड पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे देखिए फॉरगेट योर पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा और आप जो आपकी फेसबुक आईडी है वो जिस भी नंबर से आपने बनाई होगी वो देखिए आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वहाँ पर एक से भी अधिक नंबर को ऐड कर रखा है तो वो भी शो हो जाएंगे, या फिर जीमेल आईडी को भी आपने ऐड किया है तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने सिर्फ नंबर ही ऐड किया हुआ है तो नंबर ही है यहाँ पर, और हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जो उस नंबर पर वो आपका जो सिम है वो आपके मोबाइल में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, उस नंबर पर एक ओटीपी कोड आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिए वही कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर एक कोड आया है, ये देख सकते हैं, और ये कोड में जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है ये सिंपली यही कोड में आपका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। देखिए अभी जो ओटीपी आया था मैंने वो यहाँ पर कोड डाल दिया है ओटीपी। देखिए कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और जैसे देखिए कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमसे ये पूछ रहा है कि आप अपना एक न्यू पासवर्ड डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अपना न्यू पासवर्ड डालिए, डाल सकते क्या डालना ये आपको है, तो यहाँ पर अपना नया पासवर्ड डाल दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं अपना जो नया पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे देखिए आपको शो कर रहा है पासवर्ड डालने के बाद। देखिए यहाँ पर नीचे आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर अपना पासवर्ड आप भूल ना जाए तो उसके लिए आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप लिख कर रख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में फिर कभी भी जरूरत पड़े तो इस पासवर्ड को आप यहाँ पर डाल सकते हैं और लॉग इन भी कर सकते हैं, या फिर चेंज चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। देखिए नीचे देखिए लॉगआउट में क्लिक करेंगे, अगर आपका जो ये फेसबुक अकाउंट किसी और डिवाइस में भी लिंक होगा किसी भी मोबाइल में तो वहाँ से लॉगआउट हो जाएगा, आप इसे चाहे टिक कर सकते हैं या इसे रहने दीजिए। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं और जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो नंबर है वो यहाँ देखिए आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। चलिए इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा जो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और अब देखिए हमारा जो नंबर है वो बहुत ही इजीली स्टेप में बहुत ही आसान तरीके से पासवर्ड चेंज हो गया। इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल का बहुत ही आसान तरीके से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।